हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंडियन नेल आर्ट एंड ब्यूटी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि जब हमारे नेल्स इस तरह टूट जाते हैं तो उन्हें हम कैसे फिक्स कर सकते हैं बिना बाकी नेल्स को काटे हुए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये थंबनेल को कैसे फिक्स किया है, देन कीप ऑन वॉचिंग। तो इसके लिए आपको चाहिए है नेल ग्लू। आप कोई भी ब्रांड का नेल ग्लू ले सकते हैं, एक टी बैग, कैंची, ट्वीजर और नेल बफर। मैंने यहाँ पे रबिंग अल्कोहल लिया है अपने नेल को क्लीन करने के लिए, जिससे कि इसमें जो भी लोशन हो या क्रीम हो वो निकल जाए। आप चाहें तो पानी और साबुन से भी नेल को वॉश कर सकते हैं ग्लू लगाने से पहले। अब मैं यहाँ पर कैंची की मदद से टी बैग को खोल रही हूँ। हमें बस बैग चाहिए है और चाय की हमें जरूरत नहीं है। चाय को आप फेंके नहीं, उसकी आप अच्छी सी मसाला चाय बना सकते हैं। अब जितना बड़ा कट हुआ है नेल में, उतना ही बड़ा आपको पेपर चाहिए उसमें चिपकाने के लिए। अब यहाँ पे मैं नेल ग्लू लगा रही हूँ जहाँ पे कट हुआ है, और ट्वीजर की मदद से मैंने टी बैग लगाया है उसके ऊपर। मेक श्योर कि आप पूरी तरह बैग को प्रेस करें नेल में, जिससे कि जो बैग है और ग्लू है वो पूरी तरह हमारे नेल से चिपक जाए। अब 15 से 20 मिनट तक आप नेल ग्लू को ड्राई होने दें। जब नेल ग्लू पूरी तरह ड्राई हो जाए तब नेल बफर से आप उसके ऊपर थोड़ा सा बफ कर सकते हैं, जिससे कि जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेस कोट लगाया है, जिससे कि नेल को और प्रोटेक्शन मिले। आप चाहे तो सिर्फ बेस कोट लगा के ही छोड़ दें, या फिर आप पूरे नेल्स को भी पेंट कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह। यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट नेल पॉलिश कलर लगाया हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नेल बिल्कुल फिक्स हो गया है और मुझे बाकी नेल्स को भी कट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ बड़ा सा थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब हम मिलेंगे अगली बार। बाय।